बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप जो है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ईपीएस टॉपिक बेसिक बुक 2 चैप्टर नंबर 58। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली यूट्यूब पर जाने के बाद सर्च बार में आप लोगों ने लिखना है स्मार्ट कोरियन इन उर्दू। सर्च बार पर लिखने के बाद आपने सर्च के बटन को प्रेस करना है। उसके बाद नीचे जो है शो हो जाएगा हमारा चैनल का आइकॉन, वहां पर सब्सक्राइब का एक बटन होगा, उस पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और साथ बने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। बेल के आइकॉन पर क्लिक करने का आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्रॉपरली शो होती रहेगी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में जो है आज हम जो डिस्कस करेंगे वो वीजा का जो प्रोसेस है, वीजा का जो टाइटल है, वीजा का जो स्टेटस है, वीजा की जो तोसी है या उसके बारे में इतला करना, वीजे का जो क्याम वक्ती क्याम है, जब वहां पर जो है आपने क्या कैटेगरी है वीजा की, उसके बारे में जो है इसमें आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं ओशी फालगुआ, ठीक है। इसकी जो है हम कोशिश करते हैं कि पहले ट्रैक जो है इसकी जो हेडिंग है उसको प्ले करके सुन लेते हैं। जी फ्रेंड्स, ओशी फालगुआ चेरियो की गान, चेरियो की गान कहा जाता है वक्ती या आर्जी जो क्याम होता है आपका, उसको की गान दुरानिया उसका अरसा यंजन हानन उसकी तोसी करना हुए बाद के बाद को लाजमी शिंगु है या है अतला देना, ठीक है। शिंगु है या है, शिंगु होता है यानी कि रिपोर्ट करना, इतला देना, ठीक है, कि मैं जो है फलां फलां बंदा हूँ, ये मेरे वीजे का स्टेटस है, तो मेरे वीजे को जो है एक्सटेंड किया जाए, जो भी सिनेरियो है वो आपके वीजे पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका जो बा मुहावरा तर्जमा है वो अपने आर्जी क्याम की तो सी के बाद आपको लाजमी इसकी इतला देनी चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा ही है, आपने जो है आपका जो क्याम है उसकी अगर आपको तो सी करवानी है, वीजा आपका अगर एक्सपायर हो रहा है तो उसको एक्सटेंड करने की आपको इतला देनी चाहिए। तो हक्स मुख फ्यो सीखने का मकसद, चैप्टर का मकसद, चैप्टर का उनवान छेरियो कहा जाता है वक्ती क्याम को, जंजंग कहा जाता है दुरानिया अरसा, और ये जो मैंने इनको येलो किया हुआ है ये नंबर वाइज आपको इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 जो है लफ्ज मैंने इनको येलो किया हुआ है, रूटीन के साथ आप इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर दें, ठीक है, ऐसे तरतीब के साथ, बिल्कुल इस तरह लाइन में तरतीब और इस तरह लाइन में तरतीब और इस तरह लाइन में तरतीब। इनके ऊपर नंबर करना मुश्किल था इसलिए मैंने जो है आप लोगों के लिए इनको येलो कलर दे दिया, ठीक है। शेरियो वक्ती क्याम यंजंग उसकी जो है एक्सटेंडेशन करवाना, सॉरी यंजंग करवाना, दुरानिया बढ़ाना, उसको एक्सटेंड करवाना, विजी को जो है आप उसकी तोसी करना, ठीक है। जुलछा कहा जाता है तरीकेकार आरा भोगी, उसको समझना, उसको जानना, ठीक है। फिर शेरियो वक्ती क्याम छाग्यो कहा जाता है हैसियत को, अहलियत को, जो आपका स्टेटस है विजी का, वो फ्यम क्यों तब्दील करना, ये हगी उसको अंडरस्टैंड करना, यानी कि उसके बार उसको जो है अंडरस्टैंड करना, जहन में उसके साथ इतफाक रखना, उसके साथ इतफाक करना, ठीक है। हल्दुम कहा जाता है एक्टिविटी को, सरगर्मी को, ठीक है। छिरो क्याम वक्ती क्याम की गान उसका अरसा यंजंग उसको जो है आप एक्सटेंड करना, ठीक है, दुरानी को बढ़ाना। शिंगू सो कहा जाता है आपकी जो दरख्वास्त फॉर्म है उसको छकसोंग हागी जो है लिखने को कहते हैं, ठीक है, यानी कि फिल करने को, लिखने को। ओ ही कहा जाता है वोकैबुलरी को, अल्फाज मीनिंग का जो जखीरा होता है उसे। छिरियो वक्ती क्याम खीगान अरसा जंजंग उसको एक्सटेंड करना। छिरियो छाग्यो, छिरियो छाग्यो जो है वो किसको कहा जाता है, वो आप देख सकते हैं हैसियत को, अहलियत को, आपका जो स्टेटस है उसे, ठीक है। चंगबू मालूमत मुनहा सकाफत की, कल्चर की। छिरियो की गान वक्ती क्याम का अरसा जिनजंग उसको बढ़ाना। शिनचंग सो उसकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। थेवा इल बातचीत नंबर 1, मकालमा बातचीत डायलॉग नंबर 1। तो अब हम देखते हैं नीचे जो है इसमें डायलॉग में जो है ये दो पर्सन आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, रिहान है और एक थुआन है। तो इसकी जो है हम कोशिश करते हैं पहले सीडी प्ले करके सुन लेते हैं, फिर मैं आपको जो है फर्दर ट्रांसलेशन इसकी आपको बता देता हूँ। थुआन शी, 계약 연장했어요?
지난달에 계약 기간이 끝나서 재계약했어요. 그래요? 재계약을 하면 체류 기간은 자동으로 연장되는 거예요? 그건 아니래요. 따로 체류 기간 연장 허가를 받아야 해요. 그렇군요. 그럼 연장 허가는 아직 안 받은 거예요? 네. 체류 기간 만료 전까지만 받으면 돼요. 저는 한국에 온 지 3년이 되기 때문에 따로 준비해야 하는 서류가 좀 있더라고요. 그래서 오늘 고용지원센터에 가보려고 해요. 지 프렌드 CD 아 로그네 순리 अब रिहान और थुआन है आपस में बातचीत कर रिहान कह रहा है थुआन से कहता है थुआन शी थुआन साहिब खे या गंजन हिस्सो यो कॉन्ट्रैक्ट खे या कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट को ठीक है यंजन हिस्सो यो उसकी मुद्दत को जो है आपने बढ़ा लिया था ठीक है जो उसको एक्सटेंड करवा लिया था तो थुआन कहता है नहीं कहता हाँ यस चीनन थारे खे या खीगान कहता है कि पिछले मंथ गुजरे मंथ चीनन इनके जो मंथ गुजर गया है पिछले मंथ खे या कॉन्ट्रैक्ट कीगान उसका अरसा कन्ना सो खत्म होने की वजह से छे खेजक हिस्सो यो कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो छे खेजक कहा जाता है रिन्यू करवाना ठीक है उसको जो है एक्सटेंड करवा लेना रिन्यू करवा लेना ठीक है कहता है हाँ मैंने उसको जो है रिन्यू करवा लिया था तो रिहान कहता है खुरे हो कहता है अच्छा ऐसा है क्या छे खेजा कल हामिन कहते हैं कि जो रिन्यू करवाने के वक्त अगर आप रिन्यू करवाते हैं छिरियो कीगान वक्ती जो आपका क्याम का अरसा है छादंगरो वो अपने आप या ऑटोमेटिकली जंजंग थेनन को ये हो वो ऑटोमेटिकली जो है वो जंजंग एक्सटेंड हो जाता है क्या तो उस वो कहता है फिर आगे से थुआन कहता है जंजंग में ना होता है एक्सटेंड हो जाना ठीक है गो ये जो क्या हो जाएगा तो थुआन उसे आगे से कहता है खुगुन कहता है वो आनी रे हो ऐसा नहीं है ठीक है तारो अलहदा से छिरे हो वक्ती क्याम खियान उसका अरसा जंजंग उसकी एक्सटेंडेशन मुद्दत का जो बढ़ना है होगा उसकी इजाजत फादा या हेओ लेनी पड़ती है ठीक है उसकी इजाजत लेनी चाहिए यू शुड बी परमिटेड टू एक्सटेंड योर स्टे आपको जो है उसकी अलहदा से इजाजत लेनी चाहिए पड़ती है अगर आपने उसकी एक्सटेंडेशन करवानी है ठीक है तो रिहान कहता है खुरुखुन यू कहता है ठीक है अच्छा ठीक है खुरुम कहता है तो फिर जंजम एक्सटेंड होगा उसकी इजाजत अजीक अभी तक अनफादो को ये जो क्या आपको नहीं मिली या आपने नहीं ली है धुआन आगे से कहते ने छिरियो खीगान मान रू छोन जी मान का जी छोन का छोन छोंगा मान का जी ठीक है छोंगा छोंगा मान का जी कहते कि छिरियो खीगान जो है छिरियो वक्ती क्याम का जो अरसा है मान्नरियो छोन का जीमान छोन का जीमान सॉरी छोन का जीमान का लफ छोन का जीमान होता है इनके उसके खत्म होने से पहले मान्नरियो खत्म छोन का जीमान उसके खत्म होने से पहले वक्ती क्याम के खत्म होने से पहले फादम्यन थेओ होने से पहले ये देखें लफ्ज मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है ठीक है ये कहते हैं कि वक्ती क्याम के खत्म होने से पहले जो है वो करवा लेते हैं ठीक है पीरियड है उसको आई ओनली नीड टू गेट इट डन बिफोर माई सेजोरियन पीरियड एंड यानी कि वो उसकी जरूरत जो है कहता है वो मुझे खत्म होने से पहले पड़ेगी ठीक है फिर आगे कहता है छोनन हंगू के कहता है मुझे जो है कोरिया में ओन ची आए हुए सम्यन थे की 3 साल होने की तेमुने वजह से तारो छुम्बी है या अलहदा से तारो मीन होता है अलहदा से छुम्बी है या तैयारी हानन करने सूर्य डॉक्यूमेंट्स चौम इथोर आ गयो यानी कि उनकी जरूरत है कहता है मुझे जो है कोरिया में 3 साल आए हुए हो गए हैं जिसकी वजह से मुझे जो है अलहदा दस्तावेजात की जो है वो तैयारी करने की जरूरत है जो मुझे अलहदा से जो है दस्तावेजात प्रिपेयर करने चाहिए या करने हैं ठीक है तो इसलिए फिर आगे वो कहते हैं खरे सो इसलिए ओनल कहते हैं आज खोयंग जीवन सेंटर ए लेबर कोड सेंटर खा बोरियो गो हेयो आज जो है कहते हैं कि मैंने जो है लेबर कोड सेंटर जो है वो जाना चाहता हूँ आज मैंने लेबर कोर्ट सेंटर जो है जाना है इस वजह से ठीक है किस वजह से कि उसको जो है आप कहते हैं कि 3 साल हो गए हैं ठीक है मुझे जो है अलहदा से दस्तावेजात की जरूरत है इसलिए मुझे आज लेबर कोर्ट सेंटर जो है वो जाना है ठीक है
न्यू वोकैबुलरी जो है वो छादंगुरु, छादंग कहा जाता है ऑटोमेटिकली खुदकार अपने आप। छादंग होती है काम, कोरिया में जो है वो मशीन होती है जो उस पे जो है दो बटन होते हैं, एक पे छादंग लिखा होता है एक पे सुदंग लिखा होता है। सुदंग होता है मैनुअल और छादंग होता है ऑटोमेटिकली, यानी कि दोनों तरीकों से जो है आप मशीन को रन कर सकते हो। तो यही जो लफ्ज है वो छादंग है, छादंग उरो, यानी कि ऑटोमेटिकली खुदकार अपने आप। आगे चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ओही नंबर वन है, अल्फाज मीनिंग का जखीरा है। ठीक है, छिरियो खिगा जंजंग, आर्जी क्याम के दुरानिया की जो तसी होती है, एक्सटेंडेशन होती है, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें जो है उसमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, पहली जो पिक्चर है छिरियो हादा, आर्जी या वक्ती क्याम करना। ठीक है, छिरियो खिगान, वक्ती क्याम का अरसा, उसका दुरानिया, उसकी मुद्दत, छिरियो खानंग खिगान, वक्ती क्याम का मुमकिन अरसा, यानी कि कितना अरसा आपने रहना है। साम न्योन प्लस इल न्योन शिक्केबल, यानी कि जो E9 वर्कर जाते हैं उनका जो है दुरानिया होता है वो 3 साल एक होता है प्लस 1 साल 10 महीने एक होता है। ठीक है, वक्ती क्याम का मुमकिन अरसा, यानी कि आपका जो मुमकिन अरसा है वो 4 साल 10 माह है टोटल। ठीक है, आगे जो है फ्योंग्योंग खानंग हिस्सू, ठीक है, हित सु लफ्ज बोला जाएगा। ठीक है, जो सीएत है नीचे वो हित बोला जाएगा, हित सु, यानी कि पॉसिबल नंबर ऑफ चेंजेस, संभव 3 बार जो है आप अपनी फैक्ट्री जो है तब्दील कर सकते हैं 3 साल के अरसे में। ठीक है, तब्दीली की मुमकिना तादाद या तब्दीली का मुमकिना जो है नंबर कह सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि आप अपनी फैक्ट्री जो है वो 3 बार जो है 3 सालों में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगली पिक्चर की तरफ। अगली जो पिक्चर है जंजंग हादा कहा जाता है तो सी करने को, एक्सटेंड करने को। ठीक है, छिरियो जी इबजोंग सोरियो, रहाइश का सबूत, इबजोंग सबूत सोरियो, यानी कि उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूफ सबूत जो है उसका। ठीक है, रहाइश यानी कि वक्ती जो रहाइश है आपकी, आर्दी रहाइश है, उसकी डॉक्यूमेंट्स, उसके सबूत। ठीक है, छाजिन छुलगु खाक्सो, रजाकाराना रवानगी, यानी कि रजाकाराना रवानगी का मतलब ये होता है कि आप एक्सपोज कर लें कि आप सोच लें कि आप वहां पर जो है इलीगल रह रहे हैं और आप अपनी मर्जी से जो है मुल्क को लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसे कहा जाता है छाजिंग छुलगु खाक सो। ठीक है, खाक सो। आगे चलते हैं फिर अगली पिक्चर की तरफ। अगली जो पिक्चर है इंदे छा खे यक सो, किराया पर देने का कॉन्ट्रैक्ट फार्म। ठीक है, कौन सा फार्म होता है, फूदुंग सान से जो है आपको इमदे छा खेयक सो मिलता है। ठीक है, उसे कहा जाता है किराया पर देने का कॉन्ट्रैक्ट फार्म। अगर आपने वहां पर कोई रहायश वगैरह लेनी है तो इस तरह का फॉर्म आपको फिल करना पड़ सकता है रेंट पर लेने के लिए। ठीक है, शिनवन फोजंग सो कहा जाता है शिनाख्ती कार्ड, शिनाख्ती गारंटी या किसी का हवाला, शिनवन फोजंग सो, रेफरेंस किसी का कह सकते हैं, शिनाख्ती गारंटी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अगले जो है पिक्चर उसकी तरफ। छे ओब हल्दों खीगान रंजंग सिंचंग सो, मुलाजमत में तो सी की मुद्दत की दरख्वास्त। ठीक है, उसे कहा जाता है छे ओब हल्दों खीगान रंजंग सिंचंग सो। ठीक है, खुजिक थोंग लोग फिल चौंग, खुजिक थोंग लोग फिल चौंग कहा जाता है मुलाजमत की तलाश के जो दस्तावेजात होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जॉब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। ठीक है, उसे कहा जाता है खुजी थोंगलोक फिलजोंग। वो आगे चलते हैं फिर, वक्त आया कि ये बिना अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मश्क है हमने हल करनी, जो कहा जाता है मश्क को, प्रैक्टिस को, क्रीमल फोको, तस्वीर को देखो, अलमाजन दुरुस्त, मारल लफ्ज, जुमला, फिक्रा, जबान, हो उसे कनेक्ट करो, जोड़ो। तो पहला जो लफ्ज है वो क्या है उसको देख लेते हैं। जो पहली पिक्चर है वो है शिनवन होजुंग सो, ठीक है, शिनाख्ती गारंटी या किसी का हवाला। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ आपने मैच कर देना है। सेकंड पिक्चर जो है वो क्या है, छिरियो हादा, वक्ती क्याम करना है, इसको जो है आपने इसके साथ जोड़ देना है। नंबर तीसरी जो पिक्चर है वो है हमारी छिरियोची इपचोंग सोरियो, वक्ती रहाइश के जो सबूत होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसे कहा जाता है छिरियोची इपचोंग सोरियो, ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, नंबर चार जो पिक्चर है उसमें जो है यंजंग हादा तो सी करना, यानी कि उसको जो है आप प्लस 1 साल की जो है
उसको तो सी मिल गई है जब उसका वीजा एक्सटेंड हो गया है, तो ये जो है इसके साथ आपने मैच कर देनी है। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। यूनसर नंबर वन की मिसाल नंबर दो है, फिंगा ने खाली जगह में मानन दुरुस्त फ्योनल एक्सप्रेशन खोला चुनकर थे व बाची से वनसुंघा से मुकम्मल करें, खाली जगह को बातचीत से दुरुस्त धार चुनकर मुकम्मल करें। ठीक है, छिरियो खानन खाली जगह उन औदीये नवा इसो वक्ति क्याम का मुमकिन अरसा कहाँ पर होता है। ठीक है, कहते छिरियो खानन वक्ति क्याम का जो आगे देखते हैं खीगान, ठीक है लफज है इसमें जो खाली जगह में आएगा खीगान आएगा, अरसा या दुरानिया खानन खीगान उन खीगानन ओदिये किस जगह पर नवा इसो मौजूद होता है या आता है। ठीक है, यानी कि आपका जो है वेगुगिन कार्ड होता है या गैर मुल्की आपका जो शनाख्ती कार्ड होता है उसके पीछे जो है आपकी सारी डिटेल, आपकी फैक्ट्री की जो है रहाइश का एड्रेस है वो भी लिखा होता है, फैक्ट्री का एड्रेस लिखा होता है और आपके जो है आईडी कार्ड पे आपका वीजा स्टेटस भी सारा लिखा होता है। वेगुगे ठीक है, वेगुगिन थुन लुक चुम थी मियाने नल जगह चुको इस सोयो। ठीक है, वेगुगिन यानी कि आपका गैर मुल्की शनाख्ती कार्ड थुन लुक चुम शनाख्ती कार्ड थी मियोन उसके पीछे नलचा तारीख चुगो इस सोयो लिखी होती, चुगो होता है लिखा होना या का जिसे कहते हैं हम काटना। ठीक है ना, कोई चीज कह लें कि बनाना मेक करना, लेकिन यहाँ पर जो है चुगो इस सोयो का मतलब होता है लिखा हुआ है। ठीक है, लिखी होती है यानी कि गैर मुल्की शनाख्ती कार्ड के पीछे तारीख लिखी होती है। ठीक है, तो थेसंग कहा जाता है मुआवजा या जुर्माना। ठीक है, वो मिसाल नंबर टू की जो है फिर मिसाल टू देख लेते हैं। ठीक है, खा कहता है ना से खाली जगह खीगा नल जिन हारियो नन सारमी तारो शिनचुंगल है यो क्या कॉन्ट्रैक्ट का अरसा की तोसी के लिए आदमी को अलहदा से दरख्वास्त देनी चाहिए। खीगान अरसा जिनजंग हारियो मन जो होता है एक्सटेंडेशन करवाने के लिए मुद्दत बढ़ाने के लिए सारा आदमी को तारो अलहदा से शिनचुंग एप्लीकेशन है वो करनी पड़ती है। वो पहली ऑप्शन जो है इसमें आएगी खेयक खेयक खीगान जिनजंग हारियो मन क्या कॉन्ट्रैक्ट का अरसा उसकी तोसी के लिए आदमी को अलहदा से दरख्वास्त देनी होती है। ना कहता है उसे आगे से कहता है आनी हो नहीं खुगन वो इरहानन काम करने वाले खुमू जीवन कि नहीं इसका इतलाक जो है काम करने वाली जो फैक्ट्री है शिनचंग है वो करवाती है। ठीक है, कि इसका इतलाक काम की जगह के मालिक की जमानत पर होता है ऐसा भी आप कह सकते हैं। यानी कि इरहानन खुमू जिन काम की जगह का जो है आपका जो मालिक है सावचंग चू कि आपकी फैक्ट्री से जो है आपकी फैक्ट्री की जमानत पर जो है वो दरखास्त दायर की जाती है। ठीक है, छेओ कहा जाता है काम या मुलाजमत को। तो इसकी जो है मसाल नंबर तीन देख लेते हैं। खा कहता है ना से कहते हैं छिरियो खीगान खाली जगह शिनचुंगन ओदी एसो हेयो वक्ति क्याम खाली जगह दरख्वास्त ओदी एसो कहाँ पर हेयो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं जनजंग उसकी तो सी के लिए कहते हैं छिरियो खीगान जनजंग शिनचुंगन उसकी तो सी का जो है दरख्वास्त एप्लीकेशन फॉर्म ओदी एसो कहाँ पर हेयो दायर करते हैं या कहाँ देते हैं। ठीक है, छुरी को खाली सामो एसो हेयो इमिग्रेशन ऑफिस में देते हैं। छुरी को खाली सामो सो कहा जाता है छुरी को खाली सामो सो इमिग्रेशन ऑफिस को छुरी को खाली सो एसो हेयो यानी कि आप जो है इमिग्रेशन ऑफिस में दे सकते हैं। ठीक है, यंजंग तो सी मुद्दत का जो है बढ़ाना। ठीक है, छेव कहा जाता है काम को मुलाजमत को। तो इसकी जो है मसाल नंबर चार उसको देख लेते हैं। खा कहता है ना से कहते हैं छिरियो इब्जों वक्ति के हम का सबूत सूर्यहाना उसके डॉक्यूमेंट्स ओतन कौन से खोदरी इस वक्ति क्याम के सबूत के तौर पर कौन से डॉक्यूमेंट की खोदरी यानी कि जरूरत पड़ती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके वक्ति क्याम के तौर पर जरूरत होती है। ठीक है, नाव से आगे से कहते हैं खोंजो हागो कहते हैं रहाइश और खागो रहाइश के साथ इसमल छोंगबिंग हानन जो मौजूदा सबूत हैं वो खाली जगह थोंगी फिल्लियो कि उनकी जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है खोंजो हागो रहाइश के साथ इसमल छोंगबिंग हानन जो मौजूदा सबूत हैं इमदे छाखे यक्सो किराया पर देने का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म होता है वो थोंगी फिरियो है उसकी जरूरत
होती है, यानी वक्ती क्याम के सबूत पर कौन से दस्तावेजात की जरूरत होती है? आपको रहाइश का जो है आपका सबूत के तौर पर किराया का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्म होता है उसकी जरूरत लाजमी होती है। तो वो है हमारी पहली ऑप्शन इमदे छा खेसो से कहा जाता है, ठीक है। छाजिन चुलगु खत्सो कहा जाता है रजाकाराना रवानगी का जो फॉर्म होता है उसे। आगे चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बातचीत नंबर दो है, थेवा टू है। इसमें देखते हैं ये दो बंदे जो हैं कॉफी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, इसकी जो है हम सीडी प्ले करके सुन लेते हैं। बहुत ही आसान पैरा है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसके मीनिंग साथ साथ नोट करते जाएं। 흐엄 씨 이야기 들었어요? 아니요. 무슨 일 있어요? 오늘 작업장에서 안 보이던데요? 체류 자격이 문제가 돼서 이것저것 알아보고 다니나 봐요. 정말요? 지난달에 계약 갱신하지 않았어요? 네, 계약은 했는데 체류 연장 신청을 따로 안 해서 불법 체류가 됐대요. 그럼 흐엄 씨는 귀국해야 하는 거예요? 그건 아니고 벌금을 좀 내야 할 것 같다고 해요. जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसके मीनिंग साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। थुआन कहता है हुआंगशी इयागी थुरसयो, क्या आपने बातें सुनी हैं या बातें सुनी थी, ठीक है। सवालिया निशान है तो सवालिया ही फिक्रा बनेगा, ठीक है। हुआंगशी, क्या आपने बातें सुनी थी। रिहान कहता है आनियो कहते हैं नहीं। मूसरी रिसोयो, क्या काम था या क्या काम है या क्या बातें हुई हैं, ठीक है। ओनल कहते हैं आज छागो जांगे सो अनबोइन थेंदेओ, यानी कि कहते हैं कि मैंने जो है आज काम की जगह पर जो है अन नहीं फोन थेंदेओ देखा है, ठीक है। मैंने तो आज कहता है कि काम पर कोई ऐसी बात नहीं सुनी, यानी कि इसका लफ्जी मतलब ये बनता है, ठीक है। धुआन आगे से कहता है छिरियो छागियो की मुंजेगा थेसो ईगोस छोगोस आरा फोगी थानी ना भायो, कहते हैं अब जो है इसमें कहता है कि छिरियो वक्ति क्याम, वक्ती जो क्याम है छागियो मुस्तहिक, ठीक है, जो उसकी जो हकदार हैं मुस्तहिक हैं जो डिजर्व करते हैं मुंजे का, उसमें जो है कहते हैं मसला होने की वजह से जो है थेसो, क्योंकि मुंजे मसला थेसो होने की वजह से ईगो छोगो यहाँ वहां आरा फोगो पूछना थानी ना बायो, कहते हैं कि उन्होंने जो है बात जो बातचीत की है ना वो बता रहे हैं आप उसमें, ठीक है। कहते हैं कि उन्होंने बताया है कि वक्ती क्याम के सिलसिले में जो है आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है कि आप कोशिश करें कि इधर उधर जो है कोई काम अपने लिए तलाश करें, यानी कि उन्होंने एडवाइस की है, शी इज बीन लुकिंग फॉर द एडवाइस, यानी कि उसका जो है कहने का मकसद है थानी ना बायो, यानी कि आप इधर उधर से जो है अपने लिए काम का पता करें, यानी कि उसके बात करने का मकसद ये था, ठीक है। रिहान कहता है छोंग मरियो, सच में कहता है चीनन तारे, कहता है पिछले महीने खेजा खेंशीन हाजी आना सोयो, क्या पिछले महीने जो है एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करवाया था। थुआन कहता है नहीं, कहता हाँ खेजा कन हिनन दे, कहता है कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया था, लेकिन कहता है छिरियो जनजंग शिनचंग सो, जो वक्ती क्याम का जो है जनजंग उसका जो है एक्सटेंडेशन उसका एप्लीकेशन तारो अलहदा से आने सो नहीं करने की वजह से फुल पॉप छिरियो का छेदे हो, यानी कि उसने बताया है जो वक्ती क्याम का जो है जो होता है अपना कह लेंगे उसकी एक्सटेंडेशन का फॉर्म ना जमा करवाने की वजह अलहदा से ना जमा करवाने की वजह से ये हमारे लिए जो है फुल पॉप है, इलीगल है। फुल पॉप कहा जाता है गैर कानूनी को, छिरियो का थेदे हो, यानी कि ये जो है हमारे लिए गैर कानूनी हो गया है कि उनकी जो अब कह लें कि फैक्ट्री है जो उसमें जो है अब वर्कर जो है वो लीगली तौर पर नहीं रख सकते, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं की, इस वजह से जो है वो ये सारी बातें शो कर रहा है। रिहान कहते हैं खुरूम, कहता तो फिर देन हूं शीनन खीगुगे खीगुगे या हानन को ये हो, क्या फिर आपको वतन वापस जाना पड़ेगा। दे शुड शी रिटर्न टू हिज होम कंट्री, क्या फिर हमें या आपको वतन वापस जाना पड़ेगा। तुअन कहता है खुगन आनीगो, कहता है नो खुगन वो आनीगो ऐसा नहीं है। फुलगो मुल चोम ने या हल्को खत्ता गो है, कहते हैं कि ऐसा नहीं है, थोड़ा सा जो है फाइन होगा तो सारा मसला जो है कि वो क्लियर हो जाएगा। कहते हैं खुगन आनी गो फुलगुम जुर्माना चोम थोड़ा नया
हल्को खट्टा को मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा जुर्माना वगैरह होगा और सारा मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। जी आगे चलते हैं फिर अगले जो है टॉपिक उसकी तरफ। अगला जो है हमारा टॉपिक है ओ ही टू है, अल्फाज मीनिंग का जखीरा नंबर दो है, छिरियो छाक्यो देखिए वक्ती क्याम की जो हैसियत है, उसका जो स्टेटस है, उसकी जो अहलियत है, उसके बारे में जो है इसमें डिस्कस होगी। क्या डिस्कस होगी? बीजा ई नाइन, ठीक है। बीजा ई नाइन जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट वर्कर परमानेंट सिस्टम होता है, ठीक है। छिरियो छाक्यो वक्ती क्याम की हैसियत या उसकी हालत या उसका स्टेटस जिसे कहा जाता है छिरियो छाक्यो, ठीक है। हब ऑफ छिरियो, हब ऑफ छिरियो कहा जाता है आपका जो होता है कानूनी हैसियत होती है, लीगल स्टेटस जो होता है कानूनी वक्ती क्याम होता है उसे हाफ ऑफ छिरियो कहा जाता है, ठीक है। फुल बो छिरियो कहा जाता है गैर कानूनी वक्ती क्याम को, ठीक है, यानी कि गैर कानूनी यानी कि आप इलीगल हैं उसे फुल बोब कहा जाता है। तो छिरियो छाग्यो वे हल्दम वक्ती क्याम की हैसियत के अलावा जो सरगर्मियां हैं उनको कहा जाता है छिरियो छाग्यो वे हल्दम, ठीक है। आगे चलते हैं फिर अगली पिक्चर की तरफ। अगली जो पिक्चर है छाग्योगल फोयो हादा, स्टेटस के लिए या हैसियत के लिए क्वालिफाई करना, ठीक है। छुरी को हल्ली सो यानी कि इमिग्रेशन में जो है स्टेटस के लिए या अपनी हैसियत के लिए क्वालिफाई करना। छाग्योगल हेक्दुक हादा, स्टेटस हासिल कर लेना, ठीक है। आप उसने जो है स्टेटस हासिल कर लिया है यानी कि उसको जो है ई नाइन स्टेटस मिल गया है, आप उसे कोई रोक टोक नहीं है। छाग्योगल फ्योंग्योंग हादा, स्टेटस तब्दील करना क्योंकि ई नाइन से जो है अपने वीजे को एफ सिक्स में कन्वर्ट कर देना। एफ सिक्स जो वीजा होता है वो ख्योरन ईमिन होता है यानी कि शादी का जो वीजा होता है, आपको रिन से शादी कर लेते हैं तो आपको एफ सिक्स वीजा जारी कर दिया जाता है। आगे चलते हैं फिर अगली पिक्चर की तरफ। अगली जो पिक्चर है छुबंग केदा कहा जाता है डिपोर्ट करने को, जिला वतन करने को। खुंगछल सो कहा जाता है पुलिस स्टेशन को। फोलगम नेदा वहां पर जुर्माना अदा करना यानी कि खुंगछल सो पुलिस ऑफिसर, ठीक है, पुलिस स्टेशन सॉरी। फोलगमल नेदा जुर्माना अदा करने को कहा जाता है। खंगजे छुलगुगुल थांग हादा, जबरदस्ती या पकड़ कर जिला वतन करना। ये देखो उसने गर्दन से पकड़ा है इमिग्रेशन ने और उसको जबरदस्ती जो है अपने कंट्री रवाना कर दिया है। छाजिन छुलगुक हादा, रजा कराना तौर पर मुल्क जो है उसको छोड़ना, उसे छाजिन छुलगुक हादा यानी कि अपनी रजामंदी से जो है आप रजा कराना तौर पर मुल्क को छोड़ रहे हैं। आप इलीगल हैं लेकिन आप रजा कराना तौर पर मुल्क को छाजिन छुलगुक हादा कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्टिंग टॉपिक, यम सब नंबर टू है, मश्क नंबर दो, प्रैक्टिस नंबर दो। क्रीमल फोगो, तस्वीर को देखो। अल माजन दुरुस्त मारल लफज जुमला यंगल हासे, उसको कनेक्ट करें, उसको जोड़ें, ठीक है। पहली जो ऑप्शन है यहाँ पर जो है वो फुलगम दे रहा है, फुलगमुल नेता जुर्माना अदा कर रहा है, ये इसके साथ आपने मैच कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो डिपोर्ट का हो रहा है, ठीक है। चुबांग थेदा डिपोर्ट होना, जिला वतन होना, इसको आपने इसके साथ जोड़ देना है, सिंपल सा। वो तीसरी जो तस्वीर है यहाँ पर जो है वो जबरदस्ती या पकड़ कर जो है वो डिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। खंगजे छुलगुगुल थांग हादा, ठीक है, उसे कहा जाता है जबरदस्ती या पकड़ कर जिला वतन करना। दो चौथी ऑप्शन है वहां पर आप जो है वो रजा कराना जो है छुलगुग रवानगी कर रहा है, छाजिन छुलगुग हादा रजा कराना तौर पर मुल्क छोड़ देना, तो ठीक है। ये भी बड़ी बात है कि आप रजा करना तौर पर जो है मुल्क छोड़ रहे हैं, ठीक है। फिंग गाने खाली जगह मानन दुरुस्त, फ्योनल एक्सप्रेशन खोला चुनकर थेवा बातचीत से अनसंगा से मुकम्मल करें। खाली जगह में दुरुस्त तासरत बातचीत से चुनकर जो है लफ्जों को आपने मुकम्मल करना है यानी कि खाली जगह को सॉरी मुकम्मल करना है। नंबर एक जो है खा कहते हैं नासिक, कहते हैं छिरियो जंजंग सिंगुरल, कहते हैं छिरियो वक्ती क्याम जंजंग उसकी स्टैंड शिंगू उसकी जो है रिपोर्ट ओसो जल्दी है या हंदे करवानी चाहिए, ठीक है। तो सी की जल्द रिपोर्ट करवाने की जरूरत होती है। थाउं शीगान आन नाने हूँ, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, कहता है मुझे जो है वक्ती क्याम की तस्वीर जल्दी करवाने की जरूरत है। थम शीगान आन नाने हो कि मेरे पास टाइम मौजूद नहीं है। ना कहता है, कहता है ओसो हासे हो जल्दी करिए। छिरियो खीगान मान रियो थेमन, कहता है कि अगर आप वक्ती अरसा जो है आपका मान रियो थेमन खत्म हो जाता है तो खाली जगह छिरियो का थे हो यानी कि आपकी जो है छिरियो वक्ती क्याम थे वो हो जाता है। क्या हो जाता है? फुलबॉब हो जाता है। फुलबॉब कहा जाता है गैर कानूनी हो जाना यानी कि जल्दी करिए, अगर वक्ती क्याम का अरसा खत्म हो जाता है तो ये आपके लिए गैर कानूनी
है। तो फुल वर्ब कहा जाता है गैर कानूनी को, हाफ वर्ब कहा जाता है कानूनी को, लीगल स्टेटस को, ठीक है। नंबर दो जो ऑप्शन है, खा कहता है ना से, कहता है च्यव हाशिन, काम करना, खोजियो क्या आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो छोंग म्योंग सुर्योरल छेजुल है चुस्से, बरए मेहरबानी अपने सबूत कागजात जमा करवाइए, ठीक है। तो ये जो इस तरह का जो है टॉपिक, वो उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके पास वीजा स्टेटस जो है वो G1 टाइप का हो, या इस तरह की टाइप का कोई वीजा हो, तो उनको जो है डॉक्यूमेंटेशन जमा करवानी पड़ सकती है। चियो हाशिन को जो खोजो क्या आप काम कर रहे हैं, छोम्यूंग सबूत सोरियो डॉक्यूमेंट छेजुल है या चुस्से हो, छेजुल है चुस्से हो, उनको जो है आप सबमिट करवा दें, जमा करवा दें, ठीक है, इंदराज करवा दें। ना कहते हैं आगे से, कहते हैं छेओ खाली जगह काम खाली जगह रल छेजुल हामन थिलकायो, छेजुल यानी कि क्या उसका इंदराज करवाना पड़ सकता है या हो सकता है। तो छेओ हागिनसो उसकी तस्दीक फार्म, यानी कि कहता है कि काम का तस्दीक फार्म उसका इंदराज करवाना करवा सकता हूँ, क्या मैं काम मुलाजमत की तस्दीक का फार्म जो है उसका इंदराज करवा सकता हूँ, ठीक है। तो दूसरी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब आता है शिनशिंगसो, कहा जाता है दरख्वास्त फार्म को। तो आगे जो तीसरी जो हमारा मिसाल है, खा कहते हैं ना से सुसरो शिंगू हनगो ये यो, क्या आपने खुद से, सुस कहा जाता है खुद से, अपने आप से, शिंगु हनगो ये यो, क्या आपने खुद से इसकी इतला दी थी, ठीक है। ना अगर ना कहते हैं ने खाली जगह, कहता है छुलगु गुल हामिन छे एपु खलते थोइमल थिंदा गो हिस्सा हो, ठीक है। ये कहता है कि ने कहता हाँ छाजिन, छाजिन होता है रजाकाराना तौर पर छुड़गुगल आप रवानगी करते हैं, हामिन अगर करते हैं छीप को फलते, यानी कि आपको दोबारा दाखले की सूरत में जो है इसमें जो है मदद मिल सकती है। कहता है हाँ रजाकाराना तौर पर जाने से आपको दोबारा दाखले में मदद मिल सकती है, ठीक है, छाजिन रजाकाराना तौर पर। तो यही इस खाली जगह में फिट आएगा, खंगजे कहा जाता है जबरदस्ती, ठीक है। तो नंबर चार जो मिसाल है वो है, खा कहते हैं ना से शिनचोंग खाली जगह ई चीना सो, ठीक है, चीना सो शिंगुरल हामेन फुलगोमल नहीं, चीना सो, चीना सो यानी कि गुजर जाने की सूरत में, अगर आप दरखास्त की मुद्दत के बाद चीना सो गुजर जाना यानी कि वक्त का गुजर जाना, शिंगु इतला हामेन अगर करते हैं फुलगम जुर्माना नहीं देना पड़ सकता है या अदा करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो खाली जगह का, खाली जगह का जो वर्ड है वो इस्तेमाल होगा खीगान, शिनचोंग खीगान ही, कहते हैं कि जो आपका शिनचोंग खीगान दरख्वास्त का जो अरसा है छीना सो गुजर जाने की सूरत में शिंगुरल इतला अगर देते हैं फुलगोमल नेयो जुर्माना आयद कर होगा, ठीक है। अगर आप जो है दरख्वास्त की मुद्दत के बाद इतला देते हैं तो आप पर जुर्माना आयद होगा, ठीक है। ना कहते हैं आगे से, कहते हैं ने कहते हैं खाली जगह नलचारल खियोक है या गिनने हो, कहता है हाँ आपको जो है नलचा तारीख जो है खियो उसको जो है मेमोराइज करना पड़ेगा, उसको याद रखना पड़ेगा, उसको याद रखने की जरूरत है। खियोक यानी कि खियोक वैसे लफ्ज होता है याददाश्त के लिए, आपको जो है इसको याददाश्त में रखना होगा कि आपका जो है जो वीजे का दौरानिया जो है वो कब एक्सपायर हो रहा है, कब उसकी डेट जो है वो खत्म हो रही है। ने नलचा रन खियो की खियोक है या गिनने हो, हाँ मुझे तारीख याद रखने की जरूरत है। तो पहली ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब बनता है थेसंग, कहा जाता है हरजाना जुर्माना मुआवजा, ठीक है। ओ फ्रेंड्स आज का जो लेक्चर है इधर ही खत्म करते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर नंबर 58 का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब तक के लिए दोस्तों फिर अल्लाह हाफिज।